वहाँ लोगों का रिस्पॉन्ड अच्छा आ रहा है। जो सुबह साहब का एक कैडर था वो बहुत दिनों से खामोश था, इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनके पास जाए और उनको एक्टिवेट करें और इंशाल्लाह रहमान सब कुछ ठीक चल रहा है, हम अच्छे से काम कर रहे हैं और वर्कर्स का भी रिस्पॉन्ड अच्छा आ रहा है, ग्राउंड लेवल पे वो भी काम करना चाहते हैं इंशाल्लाह रहमान। हमें उम्मीद है कि आगे पार्टी और मजबूत होने जा रही है। जैसे कि आपको पता है कि चूँकि 2019 के बाद पार्टी में थोड़ी सी खलबल हुई थी, तो इंशाल्लाह रहमान वो हम कूप कर रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो आने वाले दिनों में कुछ ज्वाइनिंग्स भी हो रही है, होने जा रही है, और कुछ पुराने वर्कर्स जो है जो साइलेंट है वो कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो वो भी इंशाल्लाह रहमान एक्टिवेट हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी कायद जो है वो एक नेक इंसान है, एक बहादुर लीडर है, और उस उनके पीछे जो ये कारवां है वो भी बहादुर लोग ही है। ये बहादुरों का काम है एक बहादुर लीडर के पीछे पीछे चलना। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब का और जो हमारे नॉर्थ कश्मीर के जितने भी लीडर्स हैं या सेंटर में भी हमारे लीडर्स हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे ऊपर जिम्मेदारी जो आयद की, हम उस पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैसेज यही है कि जो भी सोफी साहब का कैडर था या पीडीपी का इधर कैडर था, जैसे वो मेरे वालिद साहब के साथ चलते थे शाना बशाना, उनको मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो भी मेरे साथ वो उसी तरीके से शाना बशाना चले, और ताकि हम गरीबों की खिदमत कर सके जैसे वो मेरे वालिद साहब सोफी साहब गरीब परस्त थे ज़्यादा। तो और उनके लिए वो हमेशा सोफी साहब का ये मंशूर रहा या फोकस रहा कि गरीबों को इज्जत दी जाए, इज्जत बख्शी जाए, तो हमारा भी प्राइम फोकस वही हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आपने देखा कि कुछ अरसे से अब बल्दियाती इलेक्शन हो या पंचायती इलेक्शन हो या उसके आगे, फिर जो हमें उम्मीद नज़र कुछ आ रही है कि असम्बली इलेक्शंस होंगे, तो उस सिलसिले में अभी एक किस्म का मिशन इलेक्शन शुरू हुआ है। पार्टी की तरफ से जो हिदायत मिली है उस वजह से हमने अब अपने लोगों के साथ और जो आम लोग हैं, जनरल पब्लिक है, उनके पास हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें हम अपनी पार्टी का मौकफ, अपने लीडर की हिदायत और अपने लीडर के जो पार्टी के जो हमारे ये हैं प्रोग्राम्स हैं और मंशूर जो पार्टी का है वो लेके हम लोगों के पास जा रहे हैं, और उन्हें हम अब इस बात से भी आगाह कर रहे हैं कि सही मानों में जो लोगों ने देखा है, क्योंकि अब की दुनिया अब वो पुराने वक़्त की नहीं रही, अब ग्लोबल विलेज है, लोग हर एक चीज़ को देखते हैं और विद इन मिनट्स हर एक जगह की रीच है उन्हें, तो वो खुद भी देखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम उन तक अपनी ड्यूटी समझ के अपने पार्टी के प्रोग्राम को पहुंचाकर उन्हें इस बात की आगाही करना चाहते हैं कि आने वाले मुस्तकबल में उन्हें किस तरह से आगे आना है और किस पार्टी को और किस वजह से और किन बुनियादों पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट डालें। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक इसमें कोताही अगर रही है तो वह हमारी लोकल जो हम लीडर्स हैं यहाँ अपने डिस्ट्रिक्ट की, जहाँ तक बात है तो हम कुछ देर ज़्यादा खामोश रहे, लेकिन अब हम अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के पास पहुँच रहे हैं और जो हमें रिस्पांस ग्राउंड से मिल रहा है वो बहुत ही हौसला अफजा है, और लोगों की जो उम्मीदें हैं वो हमें साफ यहाँ नज़र आता है कि अब अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को उम्मीदें जो किसी से वाबस्ता हैं तो वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडरशिप महबूबा जी के साथ वाबस्ता लग रही है।